हरे कृष्णा प्रभु जी, अनंत प्रणाम। तो हमारे सभी नासिक के भक्तों का सौभाग्य है कि आज नित्यानंद त्रयोदशी इस महोत्सव के शुभ अवसर पर हमें श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु इनका संग मिल रहा है। हालांकि वर्चुअल तरीके से मिल रहा है, लेकिन इसमें ही हमें अपना सौभाग्य मानना होगा। एक्चुअली प्रभु जी का यूएस के भक्तों के लिए भी एक घंटे पहले प्रवचन था और प्रभु जी का दिन भी काफी हेक्टिक तरीके से जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा ये आमंत्रण प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। इसमें ही हम कृतकृत्य है और प्रभु जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे संपूर्ण नासिक भक्तों के परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसको हमने YouTube लाइव किया है प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मौका मिला है कि श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस के अवसर पर हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि हाउ लॉर्ड नित्यानंद कॉम्प्लीमेंट्स लॉर्ड चैतन्य। किस तरह से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों संयुक्त रूप से भगवान की कृपा वो वितरित करते हैं और लोगों को करुणा दिखाते हैं, और उसी तरह वह भाव हम हमारे जीवन में कैसे ला सकते हैं। ये जो भौतिक जगत है इसमें अलग तरह से क्लेश होते हैं, पर सबसे बड़ा क्लेश ये होता है कि हमें लगता है कि क्लेश अभी कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, कि मैं ये काम ठीक हो जाएगा, वो काम ठीक हो जाएगा तो मेरा क्लेश खत्म हो जाएगा। पर वास्तव में हमें अगर क्लेश के परे जाना है तो उसके लिए हमें बाह्य परिवर्तन से ज्यादा अंतरंग परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि बाह्य स्तर पर जो है हमेशा चीजें बदलती रहेगी। भले ही आज हम एक चीज ठीक कर देंगे, कल दूसरी चीज पुनः खराब हो जाएगी। तो जो अंतरंग परिवर्तन है वह करने के लिए बहुत शक्ति लगती है, और यह बहुत से लोग उसे टाल देते हैं, सोचते कि मैं बाह्य परिवर्तन करूंगा और उसे ठीक हो जाएगा। कुछ समय के लिए कुछ चीजें ठीक हो जाती है, पर जो अंतरंग परिवर्तन करना होता है, क्योंकि ये इतना मुश्किल होता है और हम कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए भगवान स्वयं अवतरते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से हम अंतरंग परिवर्तन करके हम परम शांति परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अंतरंग परिवर्तन का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी के पास किसी को एक घर मिला है और वारिस में घर मिला है, किसी दादा ने या किसी दिया है, और उनके घर में एक कोने में सोना है, बहुत सारे सोने जेवर आदि चीजें है, वो जमीन के अंदर है, पर वहां जाए बिना वह वो उस घर में हर जगह पे
ढूंढते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे खन के देखते हैं, वहां पे खोल के देखते हैं, यहाँ पे तोड़ के देखते हैं, और कितना भी वो ढूंढेंगे भी वो सोना जेवर जो है वो एक जगह पे है, वो सब जगह पे नहीं है। तो पर उनको लगता है कि ये शायद वहां होगा, वहां होगा, वहां होगा। तो उसी तरह से जब हम कहते हैं इम्प्यूरिटी या अशुद्धता, अशुद्धता का मतलब क्या है? इम्प्यूरिटी, द एसेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इज दैट इट मेक्स अस वैल्यू अदर थिंग्स मोर देन कृष्णा। कि जब हमारे हृदय में अशुद्धता होती है तो अशुद्धता क्या करती है, वो हमारी दृष्टि को भ्रांत कर देती है, और उससे कृष्ण के अलावा दूसरी जो चीजें हैं उनका हम मौल्य और अधिक देने लगते हैं। तो अगर लोभ है तो उससे हम सोचते हैं पैसा ही भगवान है, पैसा मिल जाएगा तो सारी समस्या चली जाएगी। अगर हमें क्रोध है तो हम सोचते हैं कि अगर मुझ में शक्ति आ जाएगी तो फिर मैं शत्रुओं को निकाल दूंगा और प्रतिस्पर्धियों को निकाल दूंगा और मैं यशस्वी हो जाऊंगा। जरा से अगर मोह काम वासना हो, हमें लगता है कि हमें अगर मुझे शारीरिक सुख मिल जाएगा तो फिर सारा जीवन का सफल हो जाएगा। तो इस तरह से अशुद्धताओं से हम अलग अलग चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं कृष्ण के अलावा। और शुद्धिकरण का मतलब क्या है? प्यूरिफिकेशन मीन्स दैट वॉट वी वैल्यू स्टार्ट अलाइनिंग विथ वॉट इज ऑफ एक्चुअल वैल्यू। शुद्धिकरण का मतलब यह है कि जो चीज असली में मौल्यवान है उसको हम मौल्यवान समझने लगते हैं। तो यह जो है अंतरंग परिवर्तन है। अंतरंग परिवर्तन का मतलब क्या है कि हमारी जो मौल्य पद्धति है, हमारी आंकड़े की पद्धति है, वैल्यू सिस्टम है, वो बदल जाती है। और यह परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। जो चीजें हमको लगती है ये कीमती है वो प्राप्त करना आसान है, पर क्या वास्तव में कीमती है ये समझ को बदलना बहुत मुश्किल है। और वह समझ को बदलने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। और उनमें से जो है जो महावदन्य कहते हैं उनको बताया गया है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के जो भी और भी महाकरुणामय उनके पार्षद है, वो भी भगवान के ही एक अलग रूप है, वो है नित्यानंद प्रभु। तो अभी जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अवतरते हैं इस भौतिक जगत में, वो श्रीधाम मायापुर में अवतरते हैं। और जब वहां पे आते हैं तो तभी उस समय क्या होता है कि जो समाज की परिस्थिति है, उस अभी भगवान जब अवतरते हैं वो एक समय पे अवतरते हैं, तभी वो अवतर वहां पे अवतरण करके उस समाज का, उस समय का उद्धार करते हैं। पर साथ साथ उस समय वो ऐसा भी लीला करते हैं, ऐसा भी उपदेश देते हैं, ऐसे उदाहरण प्रस्थापित करते हैं जिससे कि उत्तरित काल में उसके पश्चात भी लोगों का उद्धार हो सके। उद्धार मतलब क्या कि शुद्धिकरण, शुद्धिकरण मतलब क्या कि जो असली चीज मौल्यवान है उसका मौल्य हम समझने लगे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब अवतरते हैं तो क्या करते हैं, वो अभी ऐसी संस्कृति में आते हैं कि वहां पे अभी तक तो पुण्यायी है पर भक्ति नहीं है। पुण्यायी मतलब क्या है, नवदीप जो है वह एक तरह से धार्मिक जगह है, वहां पे षष्ठी देवी की पूजा होती है, वहां पे अलग बहुत से ब्राह्मण हैं, वो वेदों का पठन कर रहे हैं, वो वहां पे शास्त्रों का अध्ययन भी कर रहे हैं, पर ये सब कर रहे हैं कि पर भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत कम है। यह देखते हैं अद्वैताचार्य उससे बड़े हताश हो जाते हैं, हताश नहीं उससे बड़े उदास हो जाते हैं, और उदास होकर वे करुणा से पुकारते हैं। तो तभी उनके कुपार से चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के पहले ही नित्यानंद प्रभु उतरते हैं एक चक्र धाम में, और वहां से वो चैतन्य महाप्रभु के आने का इंतजार करते हैं। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्तिमय लीला प्रारंभ करते हैं, पहले वो एक पंडित होने की लीला प्रारंभ करते हैं, और जब पंडित होने की लीला खत्म होती है तो फिर वो अपनी भक्ति की लीला चालू करते हैं। और जब वो इस तरह से भक्ति की लीला चालू करते हैं तो तभी क्या होता है, तभी नित्यानंद प्रभु वहां पे आ जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु क्या है, दोनों साथ में जो भगवान की करुणा है, जो हृदय को परिवर्तन करने की पद्धति है, हृदय को शुद्ध करने की पद्धति है, वो प्रदान करते हैं।
तो अब ये किस तरह से प्रदान करते हैं? वो जो है हरि, खास करके हरि नाम का प्रचार करके। पर अभी जब भी हम इस भौतिक जगत में होते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, और जब अलग अलग प्रकार के लोग इस जगत में होते हैं तो सबके लिए एक तरह से अपने अपने चीजों को महत्व मानते हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर हमें भगवान के भक्ति का संदेश देना है तो कोई गांव में जाएंगे तो हम जो चीज बताएंगे वो कोई शहर में जाके किसी को बताएंगे तो थोड़ा अलग बताना पड़ेगा। अगर हम कॉलेज में जाके, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके कुछ हम बता रहे हैं तो वो जिस तरह से बताएंगे, मंदिर में जिस तरह से बताएंगे उससे अलग है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो दो अलग अलग प्रकार के लोगों को अपना वही भगवान की संधि, भगवान का संदेश, भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये किस तरह से अलग अलग है, हम दो लीलाओं की चर्चा करेंगे। किस तरह से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिशन एक है पर उनका मूड अलग है, कि उनका जो उद्देश्य है वो एक ही है पर जो भाव है वो अलग है। अभी चैतन्य महाप्रभु जो है वह संन्यास, ऐसे कहते हैं कि वो तो वैराग्य शिरोमणि बताया गया कृष्णदास का उनके लिए, कि वे सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ थे, शिरोमणि थे वो, और वो बड़े गंभीरता से वो सन्यास के नियम का पालन करते थे। और इसीलिए जब वे नवद्वीप मायापुर से जब जगन्नाथपुरी गए, वहां पे जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र उनसे मिलना चाहते थे और बार बार प्रयास कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और अंत में चैतन्य महाप्रभु सब उनसे एक ही शर्त पे मिले कि जब वे एक साधारण नागरिक, एक साधारण वैष्णव का वस्त्र धारण करके आए, और तभी वे वहां पे मिले उनसे। उनका भाव क्या था कि लोग क्या कहे, लोग क्या विचार करेंगे अगर सन्यासी एक राजा से मिल रहा है, कि राजा तो भौतिकवादी होता है, ये सन्यासी तो महान है, सन्यासी तो वैराग्य होना चाहिए, तो ये ऐसे भौतिकवादी से मिलकर क्या कर रहा है। तो जो लोग अगर ऐसे ऐसे बात करेंगे, ऐसे चर्चा करेंगे तो वो सन्यासी का अनादर करेंगे, सन्यासी का अनादर करेंगे तो सन्यासी से वो जो भगवत कथा है, भगवत संदेश है, भगवत नाम है, उनसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु एक तरह से वो क्या करते थे, वो सन्यास के नियमों के बारे में काफी गंभीर थे। पर वही चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च पार्षद जो है हम कहते हैं गौर नेता नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, वह राजा से मिलने की बात तो दूर, वो खुद राजा जैसे वस्त्र ग्रहण करते थे। जब नित्यानंद प्रभु प्रवास करते थे तो कभी कभी वो ऐसे वस्त्र पहनते थे, ऐसे आभूषण पहनते थे कि जिससे कि लोग कहे अरे कौन है, किसी को लगेगा भी नहीं ये साधु है। वास्तव में यहां तक इतना था कि चैतन्य महाप्रभु एक तरह से हम कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार के लोगों को वो प्रचार कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु दूसरे प्रकार के लोगों को प्रचार करते। जो लोग वैदिक संस्कृति को मानते थे, उसको आदर देते थे, तो वैसे लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु जो थे वो प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे कहते क्या कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बोथ ऑफ देम वे डिवोशनली मर्सीफुल, दोनों भक्ति के दृष्टि से दोनों भक्ति में कृपा दिखा रहे थे। पर चैतन्य महाप्रभु तो जो है कि वो संस्कृति के दृष्टि से वह थोड़े स्ट्रिक्ट थे, कंजर्वेटिव थे, और नित्यानंद प्रभु थे संस्कृति के दृष्टि से वो थोड़े एकोमोडेटिंग थे, थोड़े वो और लोगों को जो जरूरत है वो करते थे। तो अभी नित्यानंद प्रभु यहां तक कहते कि वो अवधूत सन्यासी थे, और उन्होंने अपना अवधूत सन्यास छोड़ के क्या कर दिया, उन्होंने वो गृहस्थ बन गए। क्यों बने? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनसे कहा कि मैं सन्यासी के रूप में कुछ लोगों के पास जा सकता हूँ पर मैं गृहस्थ के रूप में जा सकता। तो हम जब कहते हैं नित्यानंद प्रभु सन्यासी, वो एक त्रिदंडी सन्यासी या वैष्णव सन्यास नहीं था एग्जैक्टली, वो एक अलग प्रकार का अवधूत जो होते वो बेसिकली नियमों के परे होते हैं, नियमों के परे के होने के कारण ऐसे कहा जाता है कि वो सन्यासी है, पर एक तरह से वो सन्यासी एक तरह से नहीं थे। पर क्या था, उन्होंने सारे विश्व का त्याग कर दिया था, पर उसके बाद क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उपदेश दिया तो वो गृहस्थ बन गए। न केवल गृहस्थ बन गए, उन्होंने क्या किया, गृहस्थ बन के वो फिर बड़े एक तरह से ऐशो आराम या आलिशान का जीवन जैसे जी रहे थे। पर उससे क्या कर रहे थे,
अभी कुछ लोग हैं जो एक बहुत अच्छा साधु है, जो बहुत वैदिक नियमों का पालन कर रहा है, ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होंगे, पर जो जो भौतिकवादी लोग हैं वो ऐसे लोगों से आकर्षित नहीं होंगे। तो उनको कैसे आकर्षित करना है, उनको कैसे भगवान के करीब लाना है? तो नित्यानंद क्या करते थे, उनके लिए वे इस प्रकार का आभूषण करते थे कि लोग उससे आकर्षित हो जाए। और यहां तक कि नित्यानंद प्रभु ये भी करते थे कि वो इससे चोरों को आकर्षित करें। और जब चोरों को आकर्षित करें तो क्या होता था, इतना 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 धन है इसके पास, इतने सारे जेवर हैं। तो एक चोरों की टोली थी, उन्होंने सोचा कि अगर हम ये चोरी कर, अगर हम जो नित्यानंद के पास है वो चोरी कर लेंगे तो फिर क्या होगा, हमको वापस जिंदगी भर कुछ चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या इतनी धन संपत्ति है। तो यह सोचकर वो बड़े उत्साह से नित्यानंद प्रभु के बारे में वार्तालाप करने लगे, कौन है ये व्यक्ति, कहाँ से आया है, इतनी धन संपत्ति कहाँ से है, क्या करते हैं वो। यह सब समझ के उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह सब समझ के वो नित्यानंद का उत्साह कोताहल करने लग गए। और क्या है कि भगवान इतने शक्तिशाली है, भगवान इतने दिव्य है कि वास्तव में किसी भी पद्धति से यदि हम उनकी ओर आकर्षित हो जाए तो फिर किसी भी पद्धति से हम उनका स्मरण करें तो उससे हमारा उद्धार हो सकता है। वास्तव में भागवत में श्लोक आता है किस तरह से, गोप्या कामा भयात कमसा द्वेष्या चैद्या दयो नृपहा, कि गोप्या कामाद कि जो गोपियां थी वो भगवान कृष्ण के सौंदर्य रूप को देख आकर्षित हो गई थी, जो और वो भगवान का स्मरण करती थी बार बार। जो जो कंस था वो भय था कि कृष्ण आके मुझे मार देगा, तो उसके कारण वो भगवान का स्मरण कर रहा था। और फिर जो शुपाल था चैद्यादय नृपा, वो ईर्ष्या से भगवान स्मरण कर रहा था, किसी भी तरह से स्मरण करे क्यों ना करे, पर वास्तव में उससे वो भगवान का स्मरण करते तो उससे उद्धार हो जाता है। पर उसमें हम अभी एक नित्यानंद प्रभु की लीला से क्या डाल सकते हैं कि स्तेनह लोभात, कि ये लोभ से ये स्तेन जो थे, ये चोर थे, वो नित्यानंद प्रभु का स्मरण करने लगे। और तो ये कैसे संभव है, क्या क्या हो रहा है इसमें, कैसे हो रहा है? तो वास्तव में क्या होता है कि नित्यानंद प्रभु इस तरह से वो वार्तालाप करते थे, इस तरह से कार्य करते थे कि चोरों को भी उन्होंने आकर्षित कर लिया। और चोर बार बार नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते, मुझे ये मिलना चाहिए भाई, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। और इस तरह से वो अभी चोर जो है वो नित्यानंद प्रभु के जितने महापुरुष अगर आकर्षित नहीं हो गए, सन्यासी से मुझे क्या लेना है, उनको धर्म तो सीखना नहीं है, और अगर अर्थ चाहिए तो एक सन्यासी के बाद क्या अर्थ है। पर इसलिए वो चैतन्य महापुरुष से कभी रुचि नहीं रखे गए, पर नित्यानंद प्रभु से उनको रुचि हो गई, फिर योजना बनाने लगे, चलो हम जाते हैं। तो एक दिन गए तो उन्होंने देखा कि अरे इतने वहां पे पहरे देने वाले इतने बलशाली विशाल पहरेदार थे, वो देख के वो सोचने लग गए, अरे ऐसे पहरेदार अगर हो गए तो ये एक पहरेदार हमारे आधा डजन लोगों को मार सकता है, ये हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो वो वापस चले और सोचने लगे कौन है ये, विस्मय से विचार करने लगे, इतना बड़े पहरेदार कहाँ से आ गए शक्तिशाली, पहले तो कभी ऐसे लोगों को देखा नहीं हमने। तो उसने लगे शायद ये नित्यानंद बड़े धनवान व्यक्ति है, तो शायद उनको मिलने के लिए कोई बड़ा राजा आया होगा, शायद राजा के पहरेदार हो गए, तो कुछ दिनों में राजा चला जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वापस जाके चोरी करेंगे। तो जब ऐसे ऐसे विचार कर रहे, तो काफी समय से वो नित्यानंद प्रभु के बारे में विचार कर रहे थे, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये न के न प्रकार है न मना कृष्ण निवेश, किसी न किसी पद्धति से भगवान का स्मरण करो। तो नित्यानंद प्रभु से भगवान का स्मरण कराते, फिर वापस एक और बार गए वो, और जब वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि ये भक्त जो है जोर से हरिनाम कर रहे हैं और सुन रहे थे हरिनाम, और पहले तो उनको हरिनाम में कुछ रुचि नहीं थी, पर अभी उनको चोरी तो करनी थी इसीलिए वहीं पर रुके हुए थे। जब रुके हुए थे वहीं पे तो अभी हरिनाम तो जोर से चल रहा है, तो हम आंखें बंद कर सकते हैं, पर हमको कान बंद करने की नैसर्गिक क्षमता नहीं है, तो कानों से
और हरिनाम की ध्वनियों के कानों में जा रही थी। उनको शुद्ध होने की इच्छा नहीं होगी, पर क्या हो रहा है, उन्हें तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के नाम का भी श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करते गए और रुक रहे थे। थोड़ा उनको रुचि आ रहा था कीर्तन में, पर वो कितना कीर्तन करे, भक्तों का इतना स्टेमिना होता है कीर्तन करने का, उतना और किसी लोगों का सामना नहीं होता है, क्षमता उतनी नहीं होती है। तो फिर वो थोड़े थक गए और फिर वहीं पे इंतजार करते हुए वो सो गए वहीं पे। और घंटों तक कीर्तन चलते रहा, कीर्तन की ध्वनि उनके कानों में जाती रही। और फिर अगले दिन सुबह हो गया, और जब सुबह के सारे जब आवाज आने लग गए, जो जो जानवर सारे अपने आवाज आवाज करने लग गए, तो उठ गए, अरे क्या हो गया। वो सारे अपने अस्त्र शस्त्र लेके आ गए थे और तुरंत अस्त्र शस्त्र छुपाने लग गए और बोले, और फिर एक दूसरे को दोष देने लग गए, तुम क्यों सो गए। और फिर उनका जो अध्यक्ष था, उनका जो कहते नेता था, वो कहने लगा, जो प्रमुख चोर था वो कहने लगा, झगड़ा मत करो, यहां से जाते पहले। फिर जा रहे थे, सोचने लग गया। फिर उसने सोचा कि शायद हमने कुछ गलती की है। क्या गलती की है? हमने जो देवी है उनकी पूजा नहीं की है, और क्योंकि हमने देवी की पूजा नहीं की इसलिए हमें बार बार अपयश मिल रहा है। ये तो अभी हम जरूर देवी की अच्छे से पूजा करेंगे फिर जाएंगे, और ये इस मिशन में चोरी का जो मिशन था उनका, उसमें यशस्वी हो जाएंगे। सोच के वो तुरंत आ गए। तुरंत जब आ गए तब क्या हुआ कि जब वो वहां पे पहुंच गए तो वो पूरी योजना से अधिक, संकल्प से अधिक हम चोरी करेंगे। तभी अचानक एक आसमानी तूफान आने लग गया, आंधी आ गई, बिजली कड़कड़ाने लग गई, और इस तरह से बारिश और तूफान हो रहे थे कि उनको समझ में क्या हो रहा है। और अचानक को जब रास्ते में वो जिस घर में नित्यानपुर रहे थे वहां पर जा रहे थे, तो एक बीच में एक बड़ा खड्डा आ गया और उसमें वो गिर गए, और वहां पे गिर गए, और अचानक ऐसे हुआ कि वो एक तरह से अंधे हो गए, कुछ दिखाई नहीं रहा था, क्या हो गया उनको। और उनको कुछ अलग अलग प्रकार के बिच्छू या ऐसे कुछ जंतु या कीड़े काट रहे हैं वहां पे, वो खड्डे में ऐसे लग रहा था, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो अभी कई दिनों से ये जो चोर थे, खास करके चोरों का जो नेता था, वह नित्यानपुर का स्मरण कर रहा था, विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था, और जो भी उसने सुना था नित्यानपुर के बारे में, उसको तो पहले तो कुछ श्रद्धा नहीं हो रही थी, कहते नित्यानपुर तो स्वयं भगवान है, वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, और वो सब सुना था तो, पर उसका कोई श्रद्धा नहीं था उसमें, पर जानकारी तो थी। पर क्या होता है कि इट इज ट्रिब्यूलेशन दैट ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन इनटू रियलाइजेशन, कि जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो जब जानकारी होती है वो साक्षात्कार में परिवर्तित होती है। हमारे पास बहुत सी जानकारी हो सकती है कि हाँ भगवान का आश्रय हमें लेना चाहिए, भगवान के आश्रय में हमको बहुत शांति और सुरक्षितता महसूस हो सकती है, पर ये केवल एक तत्व रहता है, एक थियोरी के रूप में रहता है, जानकारी के रूप में रहते हैं। पर जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, और तभी अगर हम उस ज्ञान पे अमल करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, वह जानकारी एक साक्षात्कार में परिवर्तित हो जाती है। तो यही वहां पे हो गया, जो सारी थोड़ा बहुत सुना था नित्यानपुर के बारे में, श्रद्धा तो नहीं थी, पर यहाँ पे ऐसी विपत्ति में आ गए, क्या करे अभी, वो तो देवी की पूजा भी करके आए, तो क्या करे। सोचा वास्तव में उन्होंने कहा था कि कृपया हमें आज यशस्वी होने दीजिए, कृपया आज हमें धन प्राप्त होने दीजिए। अभी देवी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको धन मिलेगा, आप यशस्वी हो गए, पर किस तरह से यशस्वी हो गए, किस प्रकार का धन मिलेगा, वह उनकी कल्पना भी उन्होंने की थी कि वो उनको एक तरह से वो आध्यात्मिक दृष्टि से यशस्वी होने वाले थे, उनको आध्यात्मिक धन प्राप्त होने वाला था। तो क्या हुआ, इस तरह से वो उस विपत्ति में थे, पता नहीं कैसे बाहर आए, तो वो चोर कहता था कि चोर के प्रमुख चोर के रूप में विचार मन में विचार आया कि शायद नित्यानंद भगवान ही है। और ऐसा सोच के वो बड़ी तीव्रता से, प्रामाणिकता से, पूरे हृदय के साथ, नित्यानंद कृपया आप मुझे बचाओ, मैं इस बड़ी विपत्ति में फंसा हूँ, मैं आपसे चोरी करने के लिए आया, मुझे माफ कर दो आप, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, कृपया इस अपराधी को आप क्षमा कर दीजिए, ऐसे बड़े हृदय पूर्ण याचना करने लग गए। और जब इस तरह से याचना करने लग गए तो क्या हुआ, तो अचानक सारी जो विपत्ति तो चली गई,
उनकी आंखें वापस आ गई, वो आसमान से बादल चले गए, बिजली रुक गई, तूफान चला गया, बारिश रुक गई, और वो खड्डे से उनको जो गिरने गिरे थे वहां से उनको बाहर आने का रास्ता भी मिल गया, पहले उनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था। और फिर उसे ये क्या चमत्कार हो गया, जैसे कि मुझे तुरंत इंतजाम रुक जाना चाहिए, पर उन्होंने देखा रहे मैं तो यहाँ पे इतना गंदा हूँ क्या करूँ, तो आस पास देखा, थोड़ा सा खुद को साफ किया और तो सीधा इंतजाम वहां पे जिस घर में थे वहां पे चले गए। जब वहां पे चले गए तो वहां पे सब वैष्णवगण थे, वो थोड़े भयभीत हो गए, ये तो इतना बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, ये तो एक गुंडे जैसा लग रहा है, ये यहाँ पे क्यों आ गया है, ये कुछ अभी परेशानी करेगा तो हम कैसे रोकेंगे इसको, और सीधा वो नित्यान रुक गया जाने लग गया। और सब भक्त आश्चर्य से देख रहे थे, और क्या नित्यान रुक गया आक्रमण करेगा, क्या नित्यान रुक वो अपना आवेश दिखा के इसका क्या करेंगे, वो सीधा नित्यान रुक के पास गया और जाके उनके चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ा के रोने लग गया और कहा कि आप तो भगवान हो, मैंने आपके प्रति अपराध किया, कृपया मुझे माफ कर दो। और इत्यान प्रभु ने उनको उठा लिया और उनको आलिंगन किया, और न केवल आलिंगन किया, आलिंगन करके उनको बड़ा आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दे दिया, जिससे कि उनका वो धन प्राप्त करने के लिए आए थे, उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त कर लिया, उनको कृष्ण प्रेम का धन दे दिया। और इससे क्या हो गया, वो जो थे वो दिव्य रूप से एनरिच्ड हो गए, धन संपन्न हो गए दिव्य प्रेम के साथ। वो चोर जो था उसके बाद में उसने क्या किया, चोरों को प्रचार करना चालू कर दिया, और जो अलग अलग जगह पर चांद जब प्रवास करते थे प्रचार के लिए, तो वहां पे चिंतन को सत्संग कर रहे होते, अचानक कई ऐसे हट्टे कट्टे डाकू गुंडे जैसे निकलने वाले लोग आते थे, और अभी वहां पे सत्संग करने के लोग तो आए तो नए थे, और वो लगते कौन लोग आए, क्यों आए, थोड़े भयभीत विस्मित हो जाते थे, और वो सारे डाकू इस प्रमुख चोर के पीछे पीछे आते थे, और सब आके नित्यानंद प्रभु के शरण में आते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने इस तरह से वो उनका आभूषण देख के कुछ लोग उनकी निंदा करते थे, ये किस प्रकार के भक्त है, किस प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति है, इतने सारे आभूषण, इतने सारे जेवर आदि पहन रहे हैं, ऐसे वस्त्र पहन रहे हैं। पर नित्यानंद प्रभु जो थे वो क्या कर रहे थे, जो लोग वैदिक संस्कृति के अनुसार जो उचित है उससे आकर्षित हो गए, उनको नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी के रूप में रहते थे और वो उनको प्रचार करते। ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु बहुत करुणामय थे, और जब वो सारे भारत भर प्रवास करते थे तो वो जो कृष्ण वो जब हरिनाम का उपदेश देते, हरिनाम में आनंदित हो जाते थे, तो लोगों को आलिंगन करते थे बिना कहीं जाति वगैरह देखकर, स्थान स्थान देखी ना देखी पात्र पात्र, और उनको भी वो कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर देते थे। पर इसके बावजूद यह भी बात थी कि एक तरह से कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के आस-पास आते ही नहीं थे, तो वो लोगों का ऐसे उद्धार हो, उन लोगों का उद्धार चैतन्य नित्यानंद प्रभु करते थे। तो ये जो नित्यानंद प्रभु है वह चैतन्य महाप्रभु का ही जो उद्देश्य मिशन है वो आगे बढ़ा रहे, पर एक दूसरे भाव से, और ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो लोग चैतन्य महाप्रभु से नहीं आएंगे। और प्रभुपाद जी का भी यही भाव था, प्रभुपाद जी बहुत करुणापूर्ण थे, और जो लोग साधारणतया वैदिक संस्कृति में रुचि नहीं लेते उनके पास भी प्रभुपाद जी गए, पाश्चात्य देशों में गए, और उनमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो देखी उसके द्वारा उनको भक्ति में लगाया प्रभुपाद जी ने। और ये चोरों की जो कहानी है वास्तव प्रभुपाद के जीवन में भी एक तरह से इसी प्रकार की कहानी हुई। प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी जब विश्व भर में प्रवास करते थे तो अलग अलग लोग उनको अलग अलग भेंट देते थे, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ही महंगी भेंट दिया करते थे। तो एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को बहुत ही महंगा जो घड़ी थी वो भेंट पे दे दी। जब ये घड़ी उनको भेंट में दे दी तो रोलेक्स जैसी कुछ घड़ी थी, तो प्रभुपाद जी क्या करते, उनको कुछ महंगा भेंट मिल जाता तो वो लेते थे, स्वीकार करते थे क्योंकि वो एक भक्त को दे रहे कुछ भेंट, कुछ समय के लिए पहनते थे और फिर वो किसी और को वो भेंट के रूप में दे देते थे। तो फिर प्रभुपाद जी का एक बार बैक टू वर्ल्ड में फोटो आया था, उसमें उन्होंने ये देखा कि प्रभुपाद जी वो घड़ी पहने हुए थे। तो उस समय बॉम्बे में एक चोर था, फिर चोरों का कुछ भक्तों से संपर्क हुआ
और उसने बैक टू गॉड देखा, उसने देखा अरे साधु है, उसके हाथ में इतनी बड़ी इतनी महंगी घड़ी है। अच्छा क्या है, तो बोले मैं लगा चोरी करता हूँ साधु के साथ, साधु से चोरी करना तो ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी, तो मैं चोरी करूंगा इसे। तो फिर उस साधु के बारे में उनको जानकारी प्राप्त करने लग गए, फिर उनको पता चला कि यहाँ पे एक जूहू में एक मंदिर है, तो फिर वो उस मंदिर में गए और फिर बोले ये स्वामी कहाँ है, तो वो भक्त बोले कि अभी वो यहाँ पे नहीं है, कुछ समय के बाद आएगी। तो वो थोड़े हताश थोड़े दुखी हो गए, कब आएंगे, कब कैसे मिलेंगे मुझे, सोचे कि तो तभी भक्तों के पास भी क्या था, बस सोचे कि किसी ना किसी सबको सेवा में लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो तुम यहाँ पे रह सकते हो, पर अब तुम कुछ सेवा करो यहाँ पे, कुछ नियम का पालन करो और तुमको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। तो ठीक है बोले, अच्छा लगा। और बार बार वो पूछे थे कि स्वामी जी कब आने वाले, स्वामी जी कब आने वाले। तो भक्तों को लग रहा था कि अरे इसको इसमें तो स्वामी इस व्यक्ति में प्रभुपाद जी के प्रति इतना उत्साह है, इतने उतावले है प्रभुपाद जी के प्रति आने के, प्रभुपाद के आने के लिए। तो अभी उनको पता नहीं था कि उसका उद्देश्य क्या है, उसने तो बताया नहीं, वो क्यों बताएगा वो। तो फिर जब भी वो होता था कि प्रभुपाद जी और जानकारी प्राप्त कर रहे थे, क्या है ये, कौन है ये, स्वामी जी क्या करते हैं। भक्त तो हमेशा प्रभुपाद जी के बारे में बात करते थे, कृष्ण के बारे में बात करते थे, तो सुन रहे थे, तभी कुछ इतना प्रभाव नहीं हुआ, पर सुन रहे थे सब कुछ। और फिर कुछ हफ्तों के बाद प्रभुपाद जी वहां पे आ गए, और जब प्रभुपाद जी वहां पे आ गए तो क्या हुआ, वो भक्तों ने बताया कि ये व्यक्ति है काफी समय से आपको उतावला है मिलने के लिए, तो ठीक है प्रभुपाद जी भेजो उसको। अपने प्रभुपाद जी अपने कमरे में थे और उन्होंने भेजा उसको उस कमरे में, और जैसे ही वो व्यक्ति वो उस कमरे में गए तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी स्वयं ही अपना जो अपने घड़ी था वो निकाला और ये आपके लिए है। अभी यह देख के वह जो व्यक्ति था आश्चर्यचकित विस्मित स्तंभित हो गया, क्या है ये, कैसे हो गया। और उसने तब तो काफी तक सुना था कि ये प्रभुपाद जी बड़े महान साधु है, इतने सारे विश्व भर में प्रचार किया है, इतने सारे भक्त बनाए हैं और इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, ये किया है वो किया, सब सुना था, पर उसको ज्यादा कुछ उसका महत्व नहीं दिया था। पर जब उन्होंने देखा कि अरे स्वामी कोई भी खरीदे उनको मेरा मन कैसे पता है, तो जो भी उन्हें प्रभुपाद जी की महिमा सुनी थी, हरिनाम का हरिनाम सुना था, प्रभुपाद के बारे में विचार किया था, इतने समय से बार बार प्रभुपाद कब आएंगे, प्रभुपाद कब आएंगे, तो वही प्रभुपाद का स्मरण कर रहे थे, प्रभुपाद का स्मरण कर कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। तो उस समय जब प्रभुपाद ने उनको वो घड़ी दे दी, उससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया। मैंने कहा प्रभुपाद जी मुझे घड़ी नहीं चाहिए और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और फिर क्या हो गया, उससे वो कृष्ण भक्त बन गए, और वो नखिल कृष्ण भक्त बन गए, प्रभुपाद जी दीक्षित भक्त बन गए, वो जो हरिदास प्रभु है जो जो जुहू से कनेक्टेड है, जिन्होंने पहले इस्कॉन टीवी चालू किया था, ITV जो कहते हैं, जिसपे आत्मा सी लाया करती थी, और बहुत से अभी तो टीवी हरे कृष्णा टीवी वगैरह काफी बड़ा है, पर तभी कुछ भी नहीं था, कृष्ण भक्ति कुछ इस्कॉन जो था टीवी पर नहीं था, वो पहले लेके आए थे, तो वह प्रभुपाद जी के ही भक्त बन गए, तो वह शिष्य है वो। तो अभी क्या है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से आकर्षित किया जाता है। प्रभुपाद जी एक बार सिंगापुर में थे और वहां पे बड़े एक हिल्टन होटल जो होता है, बड़ा महंगा होटल होता है, वहां पे रहे थे। तो कुछ जर्नल कुछ रिपोर्टर आए थे उनसे बात करने के लिए, तो एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि स्वामी जी आप तो एक सन्यासी हो, तो आप ऐसे इतने बड़े आलिशान होटल में क्यों रह रहे। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ, मैं एक छोटे पेड़ के नीचे रह सकता हूँ, पर अगर मैं पेड़ के नीचे होता तो क्या आप मेरा इंटरव्यू लेने आते थे। तो फिर सब वो हंस के प्रभुपाद जी की बात समझ गए, जो दक्ष भक्त होते हैं वो दक्ष होते हैं, किस तरह से किसके पास हम किस तरह से कृष्ण का संदेश किसके पास ले जा सकते हैं। तो करुणा का मतलब एक तरह से है दक्षता, कंपैशन मींस एक्सपर्टीज इन गिविंग कृष्णा टू अदर्स, कि कृष्ण लोगों का उद्धार करने के लिए, उनके हृदय को परिवर्तित करने के लिए, कि कृष्ण के करीब उन्हें कैसे लेके जाए, इसके बारे में विचार करना, इसके बारे में हमेशा क्रिएटिव रहना। क्रिएटिव मतलब नए नई योजनाएं बनाना, किस तरह से हम उनको कृष्ण के करीब ले जा सकते हैं। जो अगर वो भौतिक चीजों को बहुत बड़ा मान रहे हैं, भगवान को मान नहीं रहे, तो भले ही वो कृष्ण तक नहीं पहुंचे, पर कृष्ण तक के पास एक कदम तो और आगे बढ़े, वह भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है उनके जीवन में। और यही
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो अलग अलग भाव है पर उनका उद्देश्य एक है। यही मैं एक और प्रसंग के साथ पतंग बताता हूँ और उसके एक पहलू पे हम चर्चा करेंगे और फिर कुछ प्रश्न वगैरह तो हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है वो करुणा अवतार है, अजान लंबित भुजौ कहते हैं करुणा अवतार है। और के करुणा की जो पराकाष्ठा है वो जगाई मदाई के उद्धार में आती है। तो अभी ये जो कहानी है तो काफी प्रसिद्ध है कैसे जगाई मदाई जो बड़े अच्छे परिवार में थे, ब्राह्मण थे, पर वो दुस्संग से क्या हो गया, वह बहुत पतित बन गए। इतने पतित बन गए कि लोग कहते सोचते थे कि उनका उनको उनकी जो छाया है किसी पे पड़ेगी तो भी वो उक्ति शुद्ध हो जाएगा और उसको जाके क्या है कि उसको जाके गंगा में नहाना चाहिए। पर जब नित्यानंद प्रभु ने सुना तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अरे ऐसे व्यक्ति का अगर हम उद्धार कर पाएंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है चारों लोकों में फैल जाएगी। और यह सोच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग प्रयत्न किए जगाई मदाई का उद्धार करने के लिए। पहले बार हुआ तो जगाई मदाई पे आक्रमण करने आ गए और जगाई लीला का रस और बढ़ाने के लिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास को साथ में थे, वो दोनों वहां से भाग गए। पर उसके बाद वापस हो गए वहां पे और इस समय जब उन्होंने देखा, जगाई मदाई ने देखा कि ये वापस सन्यासी आ गए, कौन आ गया, कौन परेशान कर रहा है, कैसे इसकी इतनी जरूरत है कि वापस आ जाए वो। तो ये सोचकर जब वो आ गए थे तो उन्होंने क्या किया, तो जो वो एक शराब पी रहे थे, शराब का मटका था, जोर से नित्यानंद प्रभु ने मारा। नित्यानंद प्रभु ने मारा तो क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहने लगा। थोड़ा सा नहीं, जोर से मारा था, खून बह के उनके जो ऊपर के वस्त्र थे सारे खून से लाल लथपथ हो गए। जब ये जानकारी चैतन्य महाप्रभु से को मिली तुरंत वहां पे आ गए, उन्होंने विष्णु भाव ग्रहण कर लिया, कहने लगे चक्र चक्र, और चक्र तभी आ गया और क्या हो गया, वो चक्र से वो जगाई मदाई का वध करने वाले थे। और तभी नित्यानंद प्रभु बीच में आ गए, उन्होंने कहा कि हे प्रभु कृपया आप इन्हें, अगर मैंने कभी कोई पुण्य किया है तो मैंने कोई आपकी सेवा की है तो कृपया उसके बदले में मुझे आप एक दान दीजिए, और वो दान क्या है, मुझे इन दोनों का शरीर दे दीजिए। तो अभी यह नित्यानंद प्रभु की महान करुणा है कि भले ही व्यक्ति, जो व्यक्ति ने उन पर आक्रमण किया है उसके प्रतिकार नहीं कर रहे, जो उस पर प्रतिकार कर जाते उसको रोक रहे हैं और उनको रोकने के लिए वो खुद के पुण्य खुद विदाव पे लगा रहे हैं, तो ऐसी करुणा कौन दिखा सकता है। पर न केवल ऐसी करुणा दिखा रहे हैं, उसमें एक और महत्वपूर्ण भाव है कि कैसे है कि अब चैतन्य महाप्रभु एक चीज करना चाहते हैं और नित्यानंद प्रभु वो करने में उनको रोक रहे हैं, तो क्या वो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो खिलाफ नहीं जा रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के इतने अंतरंग, इतने निजी पार्षद है नित्यानंद प्रभु कि वो चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग जो उद्देश्य है वो भी जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक तरह से क्या करते थे, वो बताया कि वो एक तरह से कल्चरली कंजर्वेटिव थे, वो संस्कृति दृष्टि से वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे जो अपने कार्यों का परिणाम है वो दर्शा रहे थे। अगर आप भक्त पे आक्रमण करते हैं तो उसका जो परिणाम है भीषण है, वो महा उग्र कर्म है और उसका जो फल होगा बहुत ही भयावह होगा, यह दर्शा रहे हैं। पर वही चैतन्य महाप्रभु है, उनके अंदर के हृदय की जो इच्छा है वो नित्यानंद को दर्शा रहे हैं। और वह क्या है कि those who are condemned by the rules, those who are punished by the rules are protected by the Lord who transcends the rules। कि नित्यानंद प्रभु जो तो अवधूत है, वो कभी कभी नियमों का पालन नहीं करते हैं, पर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं वो क्या है, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं है, वह दूसरों के उद्धार के, दूसरों के कल्याण के लिए है। तो कई बार ऐसे होता है कि जब कोई व्यक्ति को इस नियम का पालन नहीं करता है, तो कर्म के नियम का हो या किसी भी प्रकार का नियम का हो, तो उसको कभी कभी सजा मिलती है, और एक तरह से ये न्याय है, जस्टिस है, पर न्याय है एक तरह दृष्टि में और दूसरी दृष्टि में है करुणा, कंपैशन। तो क्या है अभी इसमें,
करुणा महत्वपूर्ण है। बोले जो जो भगवान है एक तरह से न्याय देते हैं, एक तरह से करुणा देते हैं। और न्याय का उदाहरण जो है इस लीला में चैतन्य महाप्रभु दर्शा रहे, करुणा का उदाहरण जो है नित्यानंद प्रभु दर्शा रहे। चैतन्य महाप्रभु भी बहुत महाकरुणामय है, पर वो करुणा का उदाहरण दर्शाते हुए वो नियमों को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। नित्यानंद प्रभु जो नियम महत्वपूर्ण है, पर नियमों का उद्देश्य भी क्या है, भगवान का उद्धार करना है। तो कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, या हमारे हम देखते हैं हमारे भक्तों के समाज में, कोई भक्त कुछ गलती कर देता है। अगर कोई भक्त गलती करता है उस समय, तो शायद उस भक्त को उसका दंड मिल सकता है, या कोई भक्त कोई नया व्यक्ति भी हो कुछ गलत करते जाता है उनको कुछ दंड मिलता है, तो एक तरह से उचित है। पर क्या है, वही भगवान की कृपा अलग अलग पद्धति से आती है। नित्यानंद प्रभु एक तरह से कृपा दर्शा रहे हैं, तो खास करके कोई भक्त कुछ गलती की है, और अगर गलती हुई है तो फिर क्या है, वो भक्त को एक व्यक्त अनुशासित कर सकते हैं, पर दूसरे भक्त उसको संभालते हैं। ऐसे नहीं कि साहब अरे तुमने ये गलती कर दी, तुमको हम साहब ठुकरा के हमको हम तुमको हमेशा ठुकरा के दूर कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं है। वो एक तरह से नियम है और एक तरह से जो है वो करुणा है। तो अभी जो नियम है वह भी एक प्रकार की करुणा है, क्योंकि जो नियम का पालन कर रहे हैं उनका उद्धार उस नियम से हो रहा है, और उनके लिए यह दर्शाना भी जरूरी है कि नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। पर उसके साथ साथ अगर किसी कारण से कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे नहीं है कि करुणा का पात्र नहीं है, कि भले ही वो कुछ नहीं कर पाते उचित पद से, फिर भी किसी न किसी पद्धति से उनको भी करुणा देनी चाहिए। और वह जो भाव है वो नित्यानंद प्रभु दर्शाते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या है कि वो जो भगवान का ही भाव है, भगवान की करुणा है, वह भगवान का अंतरंग का उद्देश्य जान के उचित पद से दर्शाते हैं। और यही भाव हम कई बार देखते हैं नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की लीला में। चैतन्य महाप्रभु जब बलभद्र भट्टाचार्य के साथ उनका सेवक के रूप में जाते हैं, वो प्रवास करते हैं, जब वापस आते हैं तो क्या होता है, वो बलभद्र भट्टाचार्य से बहुत नाराज है, क्योंकि क्या होता है वो मोहित होकर चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर चला जाता है, और फिर चैतन्य महाप्रभु उसका उद्धार करके उसको वापस लेके आते हैं, उसको वापस बचा के लेके आते हैं। पर वो बाद में आते हैं और भक्तों के पास उनको दे देते हैं, और कहते हैं कि देखो यह व्यक्ति क्या है, यह आप मेरे साथ उसको भेजा था, पर ये तो मुझ पे बोझा बन गया, यह अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकता है, मोह में पड़ जाता है, और चैतन्य महाप्रभु एक तरह से उसको ठुकरा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु इससे क्या कर रहे हैं, वह कैसे हमें कोई सेवा दी है तो बड़ी जिम्मेदारी से सेवा करनी है वो दर्शा रहे हैं। पर साथ साथ भले ही वो एक तरह से ठुकरा देते हैं, पर भक्तों उनको भक्तों बलभद्र प्रचार को ठुकराते नहीं है, क्या करते हैं वो उनको सेवा देते हैं कि आप मायापुर जाओ, और मायापुर में जाकर आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या किया उनके प्रवास में, वो वहां पे बताओ सब भक्त को। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे उनको बड़ा बुरा लग रहा होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने ठुकरा दिया, ही वाज फीलिंग अनवांटेड हियर वो जगन्नाथपुरी में। पर जब वो मायापुर जाते हैं तो सब बड़े भक्त से बड़े उत्साह से उनके पास बताओ हमको क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया क्या किया, इस तरह से उनको भी वो सेवा देते हैं। तो यह जो है भक्ति की करुणा का भाव है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो, उसका उसको अगर हम कृष्ण तक पूर्व से पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर वो नहीं कर सकते तो एक कदम उसको आगे कृष्ण की ओर बढ़ाए, यह भी एक बहुत बड़ी करुणा है। और नित्यानंद प्रभु का जो भाव है वही श्री प्रभुपाद ने अलग अलग पद से दर्शाया है, और आज हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि मे ही मेक अस बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज कंपैशन, कि वो उनकी जो करुणा है हमें दे, जिससे कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो, जिससे कि हम भी स्वयं कृष्ण भक्ति ही केवल एक शाश्वत धन है, वही ऐसा धन है जो हमारे परम आनंद प्रदान कर सकता है समझ सके हैं। और साथ साथ वह हमें यह भी उनके उनके करुणा का ना केवल पात्र बनाए, पर करुणा का एक निमित्त भी बनाए, जिससे कि हमारे द्वारा हमारे आजू बाजू में हमारे संपर्क में जो भी लोग हैं, जिस पद्धति से उचित है उस पद्धति से हम उनको भगवान की करुणा देकर उनको उनके आध्यात्मिक प्रवास में जो आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।
यही नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव का आविर्भाव, अगर यह हमें भाव हमें आ जाता है तो उस आविर्भाव का जो भाव है उसकी पूर्ति होती है। द मिशन ऑफ लॉर्ड नित्यानंद इज द सेम एज द मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इट इज टू एलिवेट ऑल ऑफ अस एंड टू एलिवेट ऑल थ्रू अस, कि हमारा उद्धार करे और हमारे द्वारा औरों का भी उद्धार करे। तो सारांश में आज मैं चर्चा की किस तरह से जो नित्यानंद प्रभु है वह चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ कार्य करके उद्धार करते हैं। तो कैसे करते हैं वो? चैतन्य महाप्रभु जो है वो महावदन्याय अवतार है, उनके भी और वदन्याय जो पार्षद और उनका ही विस्तार है वह है नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जो वैदिक संस्कृति नियमों का पालन करते हैं, का आदर करते हैं, उनकी उनको उस स्तर से शुद्ध भक्ति के स्तर पर कैसे ले जाए जिसमें वो बहुत कार्यरत होते हैं। पर इसलिए वह एक असली एक आदर्श सन्यासी का रूप दिखाने के लिए वह ये बताते भी नहीं है, ये एक राजा से मिलने के लिए तैयार नहीं होते। तो उसके विपरीत जो नित्यानंद प्रभु है क्या कर रहे हैं, जो वैदिक संस्कृति को मानते नहीं है उनका भी कैसे उद्धार करे दर्शाते हैं। और वो कैसे दर्शाते हैं कि वो बड़े आलिशान तरह से वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, और उससे भौतिकवादी लोगों को, उन चोरों को भी आकर्षित करते हैं। जब चोर आकर्षित हो जाते हैं तो वो नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हैं, और हम कह सकते स्तेन लोभात, कि चोर लोभ से नित्यानंद प्रभु का स्मरण करके शुद्ध हो जाते हैं। और उस तरह से बार बार प्रयास करते हैं, बार बार असफल होते हैं, उसके द्वारा और स्मरण करते हैं नित्यानंद प्रभु का, और अंत में नित्यानंद प्रभु के स्मरण से प्रार्थना करके श्रद्धा जागृत हो जाती है। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन इनटू रियलाइजेशन, विपत्ति के समय वह नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करके समझ उनका शरण प्राप्त करते हैं, और फिर वो चोर जो है चोरों को प्रचार करके उनका उद्धार करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, वो चोर पहले धन को महत्वपूर्ण मान रहा होता है, पर बाद में वो भक्ति का जो परम धन है, भगवत प्रेम का परम धन है, उसको मौल्य देने लगता है। तो हमने शुरुआत में देखा किस तरह से इस जगत में दुख है और हम सब सुखी होना चाहते हैं, तो पहले हम बाह्य चीजों को प्राप्त करना चाहते, बाह्य परिवर्तन चाहते, पर अंतरंग परिवर्तन चाहिए हमको। और अंतरंग परिवर्तन क्या मतलब है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का मतलब क्या है कि जो चीज असली मौल्यवान है उनको हम मौल्य दें, यह वास्तव में असली शुद्धिकरण है। और तो वही शुद्धिकरण मुश्किल है, पर भगवान की कृपा से वो संभव होता है। और दूसरी लीला हमने देखी किस तरह से नित्यानंद प्रभु भगवान का ही संदेश, भगवान का ही उद्देश्य पूरी करते हैं, पर कभी कभी भगवान के बाह्य रूप से विरोध में जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर मदाई को, जगाई मदाई को मारने वाले होते हैं, तो तभी नित्यानंद प्रभु बीच में आ जाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जिसने उनको आक्रमण किया है ना, उसके प्रति आक्रमण करते हैं ना, किसी और को उनके प्रति आक्रमण करने देते हैं, पर उनके बारे उनके लिए क्षमा मांगते हैं, उनको क्षमा करने के लिए वो अपनी पुण्य और भक्ति दांव पे लगाना तैयार हो जाते हैं, ऐसी करुणा है उनकी। और उस करुणा में वो क्या दिखाते हैं कि जो नियम है नियम महत्वपूर्ण है, पर जो नियम का पालन नहीं करते उनका भी उद्धार करने का जो भी मौका है, जो भी पद्धति है, उसको हमें उसी पद्धति से अपनाना है। तो करुणा का मतलब है दक्षता, जो व्यक्ति जहां पे है उसको वहां से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखे प्रभुपाद जी बहुत महंगे घड़ी पहनते थे, पर उससे क्या हुआ, चोर को आकर्षित किया और वो चोर फिर बाद में भक्त बन गया। और फिर अंत में देखा किस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम नित्यानंद प्रभु के कृपा के पात्र और निमित्त दोनों बन जाए। नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इन दोनों की तुलना भी की कि किस प्रकार से दोनों का उद्देश्य तो एक है लेकिन जो भाव है वो अलग अलग है, और किस प्रकार से दोनों करुणा का भाव को ही विस्तारित करते हैं। और शिल प्रभुपाद जी के वृत्तांतों के साथ आपने जो उनका कनेक्शन किया वो भी बहुत ही सुंदर और अप्रतिम था। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, किसी भक्त का प्रश्न है तो वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं। जो आपने साक्षात्कार के बारे में आखिर में बताया प्रभु जी कि ट्रिब्यूलेशन ट्रांसफॉर्म्स इंफॉर्मेशन इनटू रियलाइजेशन, तो इसमें एक बारकाई का प्रश्न आता है कि क्या फिर साक्षात्कार के लिए ट्रिब्यूलेशन आना आवश्यक है, या दूसरा यह भी उसके साथ साथ जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि
कभी कभी ट्रिब्यूलेशन यदि आते हैं तो हमारा भगवान का स्मरण करना भी मुश्किल हो जाता है, तो कैसे फिर साक्षात्कार प्राप्त करें? ये बात सही है। तभी क्या क्या जब हमारे जीवन में दुख आता है तो दुख पे जो हमारा साक्षात्कार आता है जरूरी है? नहीं, अभी उसमें क्या है कि एक तरह थोड़ा भक्ति भाव, थोड़ा सेवा भाव, थोड़ा कृपा, अभी वह सब साथ में आता है। अभी कौन से, हम सबके जीवन में अलग अलग दुख आते हैं, कौन से दुखों से व्यक्ति भगवान के करीब जाता है, कौन से दुखों से व्यक्ति भगवान के दूर जाता है, यह एक तरह से कोई फॉर्मूला नहीं है कि हर बार वो हर बार अमल कर सकते हैं। एक तरह से क्या है कि भगवान की यह लीला है, वास्तव में जो ये एक भगवान की लीला नहीं है, हृदय का मामला है। तो हर व्यक्ति का हृदय किस तरह से भगवान की ओर मुड़े, वह हर व्यक्ति को स्वयं जिम्मेदारी लेनी है। तो अभी अगर एक तरह से हमारे साथ में उचित अच्छे भक्तों का संग है, तो फिर क्या होता है, जो हमारे जीवन में विपत्ति आती है उसको एक भक्ति में दृष्टि से कैसे देखना है वह हम समझते हैं। और जब वह समझते हैं तो फिर उसके द्वारा हम उस परिस्थिति में हम भगवान का हाथ देके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम प्रभुपाद जी तो महान भक्त थे, पर एक तरह से उनकी प्रकट लीला में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत प्रयास कर रहे थे कि अपने गुरुदेव का के मिशन में वे मदद करें, सहयोग करें, कैसे कि बहुत धन कमा के बहुत डोनेशन देके, पर उनकी जो बिजनेस था बार बार वो उसमें परेशानी आ रही थी। शुरू होता था लगता था कि बड़ा होने वाला है, फिर बाद में अचानक बंद पड़ जाता था। वो सोचे थे क्या हो रहा है, जब बार बार ऐसे बंद पड़ने लग गया तभी क्या हुआ, उनके गुरु भाई ने उनको बताया श्लोक को, यस्याहम अनुगृह्णामि, कि कैसे भगवान अपनी कृपा अलग अलग पद्धति से देते हैं और जो विपत्ति होती है वो भगवान की कृपा है। तो अभी क्या है कि प्रभुपाद जी को श्लोक पता था, पर उस समय जब उन्होंने श्लोक सुना तो उनको बड़ी सांत्वना मिली, अच्छा ये हो रहा है मेरे जीवन में। तो कभी कभी तो हमें भक्तों का संग महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कुछ होता है, खास करके विपत्ति आती है, तो स्वयं ही भगवान का हाथ कैसे हम देखे उस विपत्ति में, यह इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को जब शाप मिलता है तब वो तुरंत सोचते हैं कि शायद ये भगवान की योजना है, और इसलिए वो अपना राज्य छोड़ के गंगा की तरफ जाते हैं। तो कि ये भगवान की योजना है यह वो खुद समझते हैं, पर अभी ठीक है भगवान की अगर योजना है तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, उसके लिए वो सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करते हैं। तो अगर हमारे साधारण परिस्थितियों में अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भगवान को हम दिखा रहे हैं कि हम प्रामाणिकता से भक्ति करना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, तभी उससे भी और संभावना बढ़ जाती है कि जब विपत्ति आएगी तो तेषां सत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते ददामि बुद्धि योगं तं। भगवान हमें बुद्धि देगा कि उनकी ओर कैसे मुड़ना है, इस परिस्थिति में उनकी क्या योजना है, इस परिस्थिति में हम कैसे उनसे मुड़ सकते हैं, वह हमको मिल जाएगा। तो अगर इसीलिए क्या है, बिफोर द ट्रिब्यूलेशन कम्स वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वी शुड ट्राई टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, कि विपत्ति आने के पहले कम से अच्छा सत्संग रखे, थोड़ी बहुत अच्छी साधना रखे, और उससे महत्वपूर्ण है कि अच्छे मार्गदर्शकों के बीच में रहेंगे तभी हम वो देख पाएंगे। और दूसरा, क्या विपत्ति जरूरी है? नॉट नेसेसरी। क्या है कि एक है कि जो विपत्ति हमारे 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 बिना मांगे बिना चाहे आती है, पर दूसरा है कि विपत्ति के जैसा पर वैसे उतने मात्रा में नहीं है, वो है तपस्या। कि एक तरह से अगर हम भगवान की सेवा के लिए कुछ जिम्मेदारी लेते हैं, उसमें कुछ हम तपस्या करते हैं, तो उस सेवा के माध्यम से, उस जिम्मेदारी के माध्यम से भी हमें बहुत साक्षात्कार आते हैं। तो एक तरह से इस कलयुग में अगर हम भगवान का संदेश का प्रचार करना चाहते हैं, अगर हम भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, उसको फैलाना चाहते हैं, उसमें किसी भी मात्रा में बात कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती है, उससे कुछ संघर्ष आते हैं, तो उनके द्वारा भी हमें भगवान के संदेश का, जो संदेश का हम प्रचार करना चाहते हैं, वो प्रचार करने की जिम्मेदारी स्वीकार करके हम
आगे हम उसको साक्षात्कार कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एडवर्सिटी इज वन वे टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन इन रियलाइजेशन, बट अ मच हेल्दियर वे इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। द्रौपदी कहा करते हैं कि जितना हम जिम्मेदारी लेते हैं उस मात्रा में हम प्रगति करते हैं भगवान की सेवा में। तो अगर हम कुछ सेवा करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके द्वारा भी हम भगवान के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके द्वारा भी हमें साक्षात्कार मिल सकता है। ओके धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस नित्यानंद त्रयोदशी के इस शुभ अवसर पर हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए वो भी हमें बताया, और आपके उदाहरण से भी हम लोग देख सकते हैं, आपने जो बताया कंपैशन के डेफिनेशन की बीइंग क्रिएटिव टू रीच मोर पीपल एंड गिव मोर पीपल कृष्णा थ्रू क्रिएटिविटी, तो आपके भी कई सारे वेज एंड मीन्स है, आप लेखक भी है और उसके साथ साथ मॉन्क्स पॉडकास्टर आदि अन्य उपक्रमों के माध्यम से कृष्ण भावना का आप प्रचार कर रहे हैं, तो आप भी नित्यानंद महाप्रभु आपके ऊपर भी इसी प्रकार से कृपा बनाए रहे और आपके माध्यम से हमारे ऊपर भी बनी रहे, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत नासिक के भक्त संघों का मेरा प्रणाम, और इस तरह से जब भी मैं नासिक में आया हूँ हर बार आता हूँ देखता हूँ तो क्या भक्तों की संख्या बढ़ रही है, भक्तों के उत्साह बढ़ रहा है, तो यह भी नित्यानंद प्रभु की एक महान कृपा है। आप सब भी वास्तव में उनके पात्र और उसके उद्देश्य दोनों है, तो आपको सेवा करने का मौका मिला इसके लिए धन्यवाद। नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय जय। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। पुनः पुनः कभी मौका मिला तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।